आज हम बात करने वाले हैं मीडिया टेक का सबसे नया लेटेस्ट जो प्रोसेसर अभी अभी आया, कल ही लॉन्च हुआ है ये प्रोसेसर मीडिया टेक डायमेंसिटी 900। इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो ये जो प्रोसेसर है ना, ये मीडिया टेक का 6 nm का प्रोसेसर है, मीन्स बैटरी एफिशिएंट है। और इसके अंदर आप 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये 5G प्रोसेसर है और ये जो प्रोसेसर है ये 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है। इसके अंदर आपको आर्म कॉर्टेक्स A78 CPU कोर्स मिलते हैं और ये मिड रेंज के 5G फोन्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सो इसके अंदर आपको एक GPU की बात करूँ तो इसके अंदर आर्म माली G68 है और रैम टाइप की बात करूँ तो ये LDDR4X रैम को सपोर्ट करता है, FS3.1 2.2 को भी सपोर्ट करता है ये। और ये है ये 7 nm से 8% ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है। यस, ये 6 nm का है इस वजह से। और ये आपको बैटरी एफिशिएंट तो है ही, अब इसके अंदर आप 4K में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी आता है। यस, और MMMC तो आती ही है। और इसके अंदर जो मीडिया टेक के खुद के है ना ऑप्शंस, जैसे इसके अंदर AI कैमरा आता है और भी कई सारे फीचर्स आते हैं जो मीडिया टेक के खुद के हैं। मतलब आपने देखा होगा EMMC, आपको पता ही होगा, नहीं पता मैं बताता हूँ। EMMC में होता क्या है कि आपका फ़ोन मान लो 120 Hz का है, आपके फ़ोन में एक वीडियो है या फिर गेम खेल रहे हो वो है 60 Hz की, ठीक है ना, आपको मजा लेना भाई 120 Hz का, तो EMMC उसे 120 Hz या फिर 60 Hz आपके फ़ोन की कंपैटिबिलिटी बना देती है, जिससे आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलता है। और इस प्रोसेसर में आप डुअल सिम 5G चला पाओगे, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है इस प्रोसेसर के अंदर। और इसके बारे में ना आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर HDR10 सपोर्टेड है, HDR10 प्लस भी, और 120 Hz की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है ये। और अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ ढंग से। ये 8 कोर का प्रोसेसर है, इसके अंदर जो CPU है Type 1 का वो है आर्म कॉर्टेक्स A78, वो 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है। और जो दूसरा CPU है आर्म कॉर्टेक्स A55 वो है 2 GHz पे क्लॉक्ड। और इसके अंदर अगर मेमोरी की बात करूँ तो भाई रैम टाइप ये LDD4X रैम टाइप सपोर्ट करता है और LPDDR5 रैम भी सपोर्ट करता है, UFS 2.1 और UFS 3.1 सपोर्ट करता है मेमोरी में, स्टोरेज टाइप में। अब मैक्सिमम ये कैमरा कितना सपोर्ट करता है ये आप भी मेरे से पूछोगे, सो मैं आपको बता देता हूँ। ये 108 MP सपोर्ट करता है और 20 MP उसके साथ में। ये कहानी हो जाती है मीडियाटेक 900 प्रोसेसर की।